हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज वीडियो में हम करेंगे अनबॉक्सिंग। तो आज का कोई ब्लॉग नहीं रहने वाला है, जस्ट एक अनबॉक्सिंग रहने वाली है जो कैलीग्राफी। अगर आप एक हैंड राइटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप अपनी हैंड राइटिंग को थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, स्पीड को भी एंड आपकी क्वालिटी को भी, तो कौन कौन सा आपको पेन यूज करना है, तो कैलीग्राफी के लिए कौन सा यूज करना है एंड एग्जाम के लिए आप कौन सा यूज कर सकते हैं, जो सबसे बेस्ट आता है। तो सबसे बेस्ट रहता है कि आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपकी राइटिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी एग्जाम्स के जो मार्क्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं आपकी क्वालिटी पे, आपकी राइटिंग स्पीड के ऊपर, आपकी हेडलाइंस, तो सभी पे उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको जो कुछ आता है तो वो तो बाद में आपको अंडरस्टैंडिंग करेगा जो एग्जामिनर होगा। तो उसके बाद सबसे पहले आपको आनी चाहिए अच्छी राइटिंग। तो जैसे कि आपको जानते हैं कि मेरा एक अलग चैनल है कैलीग्राफी के लिए, हैंड राइटिंग के लिए कैसे आपको इम्प्रूवमेंट करना है, हिंदी एंड इंग्लिश टोटली उसी चैनल पर मैं सिखाता हूँ। तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। जो चैनल का नाम है राइटिंग 07। ठीक है, तो आप करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। जैसे कि ये मैं पेन अभी जस्ट करंटली मैं लेके आया था, कैलीग्राफी पेन, जैसे फाउंटेन पेन है। तो ये देख लेते हैं पहले कंपनी कौन सी है, जो स्काई गोल्ड की रहने वाली है, स्काई गुड। उसके बाद जेनियन 22 कैरेट गोल्ड प्लेटी निब्स। ठीक है, तो आपकी जो निब्स रहने वाली है कुछ इस तरह की रहने वाली है, जो उसका साइज रहने वाला है, जो आपको मैं आपको ओपन करके भी दिखा दूंगा। 6 निब्स इसके साथ में फ्री आने वाली है। ठीक है, तो उसके 6 निब्स इसके साथ में आएगी, बाकी एक नॉर्मली इसकी निब होती है, छोटी कोई निब्स होती है इनमें, बाकी इनमें तो 7 निब्स आई हुई है। देखते हैं 6 है या 7 है, कितनी निब है। 6 निब का सेट इसमें बताया हुआ है। वहीं पर हम बात कर ले प्राइस की, तो प्राइस इसका 250 है। उसके बाद हम दूसरा है हमारे पास एक बॉक्स है ब्रश पेन के लिए, जो फ्लेयर कंपनी का रहने वाला है। इसमें भी देखेंगे 12 सेट्स रहने वाली है। तो इसका भी जो रेट्स है वो रहने वाला है यहाँ पर 225। ठीक है, जो हम ये कैलीग्राफी के लिए यूज़ करने वाले हैं, जो हमारा जो चैनल है राइटिंग 07, तो वो भी आप जरूर फॉलो कर लेना। उसके बाद हम जो पेन यूज़ करते हैं कैलीग्राफी के लिए, वो एक थोड़ा स्पार्कल पेन आते हैं इस तरह के, जो ये पेन है स्पार्कल मेरे पास है फ्लेयर का, फ्लेयर प्लेट जिलेटर। ठीक है, जो फ्लेयर जिलेटर के पेन रहने वाले हैं, ये भी थोड़ा स्पार्कल होते हैं। तो मैंने काफ़ी वीडियो अपने देखे कि जो राइटिंग से नेम होते हैं तो मोस्टली मैं स्पार्कल से बनाता हूँ, थोड़े वो अच्छे लगते हैं, इंटरेक्टिव भी लगते हैं। तो अलग अलग कलर के हैं ये पेन भी। उसके बाद हमारा जो एक थोड़ा हेडलाइट के लिए यूज करते हैं बॉल पेन यूज करता हूँ, तो मैं ये वाला रहने वाले हैं, जैसे कि फ्लेयर का रहने वाला है। ठीक है, अगर आप कोई राइटिंग के लिए कलर देना चाहते हो तो जेल पेन रहने वाले हैं फैशन जेल। ठीक है, तो ये भी इसके जो निब्स होती है थोड़ी अच्छी होती है, थोड़ी मोटी होती है, तो आप राइटिंग के लिए इसका यूज कर सकते हो। और मैं रिकमेंड ही करूंगा, जो ब्लैक पेन होता है इसका बहुत अच्छा होता है, ये आप उसमें हैंड राइटिंग्स के लिए यूज कर सकते हो, बाकी जो नेम्स एंड कैलीग्राफी के लिए यूज कर सकते हो। बाकी मैं जो राइटिंग के लिए यूज करता हूँ वो जो पेन रहने वाले हैं वो इस तरह के रहने वाले, जैसे कि एक ही रहने वाला है हैंड राइटिंग जो एग्जाम में यूज करता हूँ मोस्टली मैं, जोम्बो रिफिल। ठीक है, मोन्टेक्स सेंग। तो ये मैं क्या करता हूँ एग्जाम में यूज करता हूँ मैं। उसके बाद जो पेन्स होते हैं जो मैं एक दूसरा पेन ये रहता है रोटरी को, थोड़ा सिंपल सा पेन आता है, ये भी एक अच्छा पेन आता है निब्स का। तो इनकी राइटिंग्स कैसे आती है, तो इनके लिए भी कंटिन्यू मैं एक वीडियो सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा कि इनकी राइटिंग्स कैसे कैसी इनकी स्पीड आती है, प्लस कैसे इनकी हैंड राइटिंग्स आती है। ठीक है, उसके बाद हमारी एक अप्सरा की जैसे पेंसिल हो जाती है, उसके बाद हमारे पास एक तरह का ये पेन आ जाता है मोन्टेक्स मेगा स्टोन। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप कौन सा पेन यूज करते हैं, तो मैं भी इनकी जो राइटिंग है वो भी नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये है, जस्ट अभी ये न्यू पेन है, तो न्यू पेन से ऐसी राइटिंग सारी इस तरह से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये जेल पेन, मेरा फेवरेट पेन है कि हॉजर का, ये पेन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सॉफ्ट पेन चलता है, हॉजर जेल पेन। मैं मोस्टली इंग्लिश राइटिंग के लिए जेल पेन ही यूज करता हूँ, बहुत अच्छा पेन चलता है, सॉफ्ट पेन। उसके बाद आया था हमारे पास एक ये भी पेन आता है फ्लेयर रैपिड जेल पेन, ये भी बहुत अच्छा पेन मैं यूज़ करता हूँ मोस्टली राइटिंग के लिए एग्जाम में, तो मोस्टली मैं यही यूज़ करता हूँ। एंड एक आता है बटरफ्लो का, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जो बता देना आप कौन सा यूज करते हैं। जैसे कि अच्छा पेन चलता है एकदम, एक तो सबसे बेस्ट रहता है कि यहाँ से इसमें जो गर्मी का टाइम होता है इसमें पसीने आते हैं जैसे मोस्टली हाथों में, तो ये थोड़ा रफ बना होता है, थोड़ा ये स्लिप नहीं बनता है यहाँ पे। ठीक है, बट लेकिन इसमें क्या होता है कि थोड़ा स्लिप होने के चांस रहते हैं, तो यहाँ पे पकड़ने के लिए तो बेस्ट है, यहाँ पे पकड़ने के लिए तो बेस्ट है, पर लेकिन यहाँ पे ये दोनों साइड में पकड़ने के लिए बेस्ट रहता है। ठीक है,
और ऐसे ही हमारे पास फिर ये आ जाता है, ये कौन सा है हमारे पास, फ्लेयर हाइड्राजेल, फ्लेस हाइड्राजेल, तो ये भी अच्छा स्मूथ आता है। बट लेकिन इसकी जो इंक होती है थोड़ी डार्क होती है, तो इसीलिए थोड़ा ये भी ठीक है। ठीक है, एक हमारे पास आता है फाउंटेन स्टूडेंट जेल पेन, तो ये फाउंटेन भी आप किस तरह से यूज करते हैं, आप मोस्टली पहले तो इसको यूज करते थे स्कूल के अंदर, मैंने काफ़ी यूज किया है, बट लेकिन आप ये यूज होता है नहीं होता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप यूज करते हैं या नहीं यूज करते हैं। स्कूल टाइम में पहले मैंने बहुत यूज़ किया, बहुत अच्छा पेन यूज़ करता है, बट लेकिन आज की इनकी जो जगह है वो सब जेल पेन ने ले ली है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं इनकी अनबॉक्सिंग। जैसे कि ये कैलीग्राफी पेन है तो इनके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, तो जस्ट आप भी, मैं इनको अनबॉक्सिंग कर देता हूँ। ठीक है, जो इनका प्राइस था मैंने आपको सभी बता दिया है, इनका जो प्राइस है वो 250 है। ठीक है, और ये जो जेल पेन है ये ब्रश पेन आया है मेरे पास से, ये भी कैलीग्राफी के लिए लिया गया है, ये ऑफलाइन परचेज किया है। ऑफलाइन बेटर रहता है कि ऑनलाइन से, क्या आता है कि अपना दुकान पे जाओ अपनी अच्छे से क्वालिटी से लेकर आ जाते हैं। तो ये कलर आते हैं हमारे पास 3, 3, 6, 9, 12, ये 12 कलर आ जाते हैं हमारे पास। तो किस तरह की इनकी राइटिंग आती है तो ये देख लेते हैं। ठीक है, इसकी भी राइटिंग किस तरह आती है वो भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे, तो काफ़ी वीडियो आएगी। तो इस तरह का एक ब्रश पेन आता है, तो इसमें क्या होता है कि ये इसमें ब्रश बना रहता है। ठीक है, इसमें कुछ इस तरह का ये ब्रश बना रहता है, हल्के से इसमें अगर जाएंगे आप कैलीग्राफी के लिए, हल्का सा दबाएंगे तो डार्क हो जाएगा। तो आपको ऐसे भी इसको यूज करना होगा, है ना, इस तरह से भी। ठीक है, तो इसको यूज कैसे करना है वो भी हम लेकर आएंगे वीडियो। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कौन सा पेन हमारे पास आने वाला है, तो वो सबसे बेस्ट रहने वाला है कैलीग्राफी के लिए, फाउंटेन पेन। तो फाउंटेन पेन हमारे पास इस तरह के आने वाले हैं, तो इनकी भी आप अनबॉक्सिंग कर देते हैं। तो ये भी सबसे बेस्ट रहते हैं कैलीग्राफी के लिए। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आती है कि रिप्स साइन भरने के लिए। ठीक है, ये हमारे पास आते हैं इनकी रिप्स, इसमें आती है हमारे पास 6। उसके बाद आती है हमारी ये इंक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है पेन, इसमें पेन इसमें एक लगी हुई आती है, जैसे इनमें से कोई सी भी आ सकती है बड़ी वाली, इसमें थोड़े वाइड, तो इसमें हमारे पास आ जाता है कई तरह की वाइड वाइड। ठीक है, एमएम में आ जाती है हमारे 5 mm, 2 mm, 3 mm। तो इसको मैंने थोड़ा यूज करके देखा था, उसके बाद देख लेते हैं इसमें कौन तरह की हमारे पास आ जाती है राइटिंग्स। तो राइटिंग देख लेते हैं किस तरह से इसमें राइटिंग आती है हमारे पास। तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता देना आपका नाम क्या है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम पे एक वीडियो सेपरेट बना देंगे हम। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।